तो इतना हमने ढोकला का मिक्स ले लिया है। उप्स, ढोकला फेल। ना फूलना। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग है आज। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम वैम्बुली। आज मैं ट्राई करने वाली हूँ ढोकला बनाने का। ये है पैकेट हमारे पास। तो एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ढोकला बनाने जा रही हूँ, तो कैसे निकल के आएगा, कैसे बनेगा, मुझे पता नहीं है कुछ भी। तो हम जल्दी से ढोकला बनाना स्टार्ट करते हैं। आपके साथ साथ मुझे भी देखने मिलेगा कि वैसे तो मेरी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, बट ढोकला फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ, तो लेट्स सी। आपके साथ मुझे भी देखने मिलेगा कि ढोकला कैसे निकल के आएगा, कैसे बनेगा। तो आपके साथ मुझे भी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो आपके साथ मुझे भी देखने मिलेगा, पता चलेगा कि ढोकला कैसे बनेगा। बस बुलाएगा क्या, कैसे बन के आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर ढोकला मेकिंग। बट वैसे तो मैं सब कुछ मेरे हिसाब से करने वाली हूँ, कुछ नाप तोल के ऐसा कुछ नहीं करने वाली कि इतना कप ये बैटर नहीं, इतना कप पाउडर तो इतना कप ही पानी। नो बॉस, मुझे वो सब नहीं जमेगा। बट हम ट्राई करेंगे अच्छा निकल के आ जाए, वेस्ट ना हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारे पास बाउल, ये गंदा नहीं है, ये सब यूज़ हो के ऐसा हो रहा है। ये है हमारे पास विस्क, ये है बैटर, इसमें ये एक है, एक्चुअली ये बनाया हुआ है, मम्मी ने बनाया था। और ये है उसमें का पैकेट छोटू सा। पहले तो हम लेंगे बैटर, इसमें डालेंगे बैटर नहीं, सॉरी साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। इसको क्या बोलते हैं, पाउडर मिक्स, मैं नहीं दिखाऊंगा कुछ जो है वो ही ये लेंगे। तो इतना हमने ढोकला का मिक्स ले लिया है। ये पैकेट का काम तो बाद में, तो फिलहाल हम इसको साइड में रखते हैं। और हम इसमें डालेंगे अब पानी, पानी थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे इसको। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। एक बार बैटर रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। A few moments later. तो जी हमारा बैटर हो गया है रेडी। ऐसे कुछ कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, तो हम इसको रखेंगे सेट होने के लिए साइड में। तो मीनवाइल हमको करना है पानी, मतलब पानी गर्म करने के लिए हमको रखना है, स्टीम देनी है इसको, किसको, ढोकले को। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो हम रखेंगे पानी गर्म करने के लिए और उसमें कुछ नहीं रखेंगे। है मेरी कढ़ाई और ये है उस वो ढोकले का बैटर जिसमें जाएगा। तो हम करते हैं गैस ऑन। अरे क्या हो गया, हो गया कि नहीं, हो गया हो गया। तो इसमें जाएगा पानी, एक कप पानी डाला है, अगर कम मुझे लगा तो मैं और डालूंगी। और गैस को कर देंगे फुल, क्योंकि हमें बस पानी गर्म करना है और कुछ नहीं। और तब तक बैटर भी सेट हो जाएगा थोड़ा। और बैटर सेट होने के बाद हमें डालना है ये पैकेट, मतलब ये पैकेट नहीं डालना है, इस पैकेट में जो है वो हमें डालना है उसमें। सॉरी।
और कुछ नहीं करना है बस। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। तो पानी जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं क्या करती हूँ वो ग्रीसिंग कर लेती हूँ, ऑयलिंग कर लेती हूँ मेरे बाउल को, मेरे पॉट को, जिसमें जाएगा ढोकले का बैटर। ये क्यों करना पड़ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम बैटर डालेंगे तो वो साइड में चिपकना नहीं चाहिए, और बाद में जब ढोकला बन जाएगा तब अच्छे से निकल के आना चाहिए ढोकले का वो पूरा ढोकला मतलब। इसलिए हम ये कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है करने के लिए। और जो ये छोटा पैकेट है ना उसको, क्योंकि मैंने पूरे पैकेट का हाफ लिया है पैकेट, तो इस पैकेट में से भी हम हाफ लेंगे। अगर आप पूरा का पूरा फ्लावर डालोगे, एक ढोकले का फ्लावर डालोगे, तो ये छोटे पैकेट में का भी आपको पूरा डालना होगा। क्या बोला तूने? मैंने हाफ लिया है, तो ये छोटे पैकेट का भी मैं हाफ लूँगी। तो मैंने लिया है थोड़ा सा पानी, इसमें हम डालेंगे ये हाफ पैकेट और स्टर करेंगे। ये भी हम स्टर करेंगे क्योंकि इसमें भी हमको लंच नहीं चाहिए। स्टर करते रहो। और ये मतलब जब आपको दिखेंगे कि इसमें लम्स नहीं है, पूरा ये लम्स मतलब लाइट हो गया है, इसमें पानी में घुल गया है, तो बस ध्यान रखना चाहिए हमको जल्दी से बैटर में डालना है ये सबको, और इसको भी हमको मिक्स करते रहना है। आप देख सकते हो कि बैटर कैसे फूल गया है, थोड़ा यही रहती है खासियत। तो इसमें भी वक्त ना बताते हुए हमको जल्दी से वो बैटर रखना है जो हमने ऑयलिंग किया हुआ बाउल है ना उसमें, नहीं तो ये पूरा ख़राब हो जाता है। एक बार मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और वो मैं डालती हूँ बाउल में। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मैंने बैटर डाला है, पानी भी उबल चुका है, इसमें मैंने रख लिया है वो स्टैंड क्योंकि नीचे लगना नहीं चाहिए इसलिए। तो अब हम इसमें डालेंगे ये बॉल। बहुत ही ऊपर हो गया, अरे अभी इसमें, अरे यार बहुत ऊपर हो गया ये वो डालने के बाद। शायद से मुझे वो नीचे वाला निकालना पड़ेगा, रुको मैं निकालती हूँ वो। A few moments later. मैंने ना ये रख दिया है क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है और बड़ा है, ये कुछ काम का नहीं, क्योंकि इसके ऊपर, इसके अंदर मैंने वो स्टैंड डाला फिर बाउल डाला, तो उसको ढकने के लिए कुछ बड़ा नहीं था मेरे पास। तो काफ़ी टाइम हो गया है बैटर बनने के बाद, वैसा होना तो नहीं चाहिए, बट लेट्स सी, ट्राई तो करना ही होगा, बस अच्छा बन जाए। एक बार पानी को उबल आ जाए तो मैं भी रख दूँगी बैटर को इसके अंदर। पानी को उबाल ही नहीं आ रहा है, क्या होगा मेरा, फिर भी डाल दूँ क्या, आप क्या बोलते हो? क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं डालू या नहीं डालू? तूने पहले क्यों नहीं सोचा ये सब? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आ रहा है उबाल आ रहा है, उबाल आ रहा है, गुड न्यूज दोस्तों, उबाल आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा उबाल तो आ रहा है, आप भी देख सकते हो।
तो मैं डाल दूँ इसकी ये 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 मैं डाल देती हूँ, ये इसमें मैं रख देती हूँ, चटका नहीं लगना चाहिए। ये तो डल गया, इसके ऊपर का झाकन किधर है, कवर किधर है, कवर ये रहा कवर, इसको हम रख देते हैं। गणपतप्पा मोरिया। तो ये ढकने के बाद हमको इसको रखना है 20 मिनट्स के लिए, और हाँ 20 मिनट्स होने के बाद कूल मतलब वो बाउल वो ढोकला कूल होने तक हमको रखना है साइड में, और आगे आप देखते जाइए। बस 20 मिनट में मैं आपको मिलती हूँ 20 मिनट्स के बाद, ढोकला बनने के बाद। 2000 years later. तो जी 20 मिनट्स हो गए हैं और हम जाएंगे लिड निकालने, मैं आपको दिखाती हूँ क्या लो भाई, कुछ तो लेना पड़ेगा। ढोकला फेल। ये क्या निकल गया है यार, मूड खराब हो गया मेरा। मम्मा ये क्या केक हुआ है या ढोकला हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं। चूतिया बनाया तुमको, बट एक बार निकाल लेते हैं। हंसू या रो, रोना तो आ रहा है बट रोएंगे नहीं, रोना नहीं है भाई। ये निकाल के हमने इधर रख दिया है और इसको अब हम कूल करने के लिए रखेंगे। मेरा मूड तो खराब हो गया। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, क्या क्या सपने देखे थे कि भाई ढोकला खाएंगे, मजा करेंगे, फोटो निकालेंगे ढोकले का कि भाई मैंने बनाया है, ये कुछ नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं। आप देख सकते हो कि कितने डिसअपॉइंटमेंट है, मैं नहीं ढोकले की। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर है। अभी क्या करूं मैं, क्या खाऊं, कुछ नहीं, चाय बिस्किट खाना पड़ेगा। बट आशा ना छोड़ते हुए हम 5-10 मिनट्स रुकेंगे कूल डाउन होने तक वो ढोकले का वो बाउल। मैं आपको मिलती हूँ बाद में वो कूल डाउन होने के बाद। A few moments later. बाउल कूल हो गया है और हम निकालेंगे ढोकले को, तो मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं तो वो भी वेस्ट हो जाएगा ना, इसीलिए नहीं देती हूँ, रहने देती हूँ। आपको क्या लगता है कि ये अटेम्प्ट मेरा ढोकला बनाने का
सक्सेसफुल हुआ या फेल हो गया प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है। तो मम्मी आ गई है, मैं मम्मी को पूछती हूँ, टेस्ट कराने लेती हूँ और उसको पूछती हूँ कि ढोकला कैसा बना है, रेट करने बोलती हूँ। तो रुको, हाँ ढोकला बनाओ ना, मैं बग टेस्ट कर। बग एक एक क्यों तो बग फ्रेश तो ये अटेम्प्ट तो फेल रहा मेरा, जैसे कि आप देख सकते हैं। कभी ना नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, मुझे खुद को ही हंसी आ रही है। ये रहा मेरा चुट्टू। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट कुकिंग वीडियो कौन सी चाहिए। तो मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ दिव्या अंबुरले। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।